स्नो गिर रही है, स्नो स्नो ज्यादा डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हो? बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है, इस वजह से सब बंद कर रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हमारा कश्मीर में सेकेंड डे है। आज का प्लानिंग है सोनमर्ग का। आज हम पूरे दिन सोनमर्ग में रहेंगे। सोनमर्ग की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ के ग्लेशियर्स एंड ऑल। सो आज देखते हैं कैसा है सोनमर्ग। सो लेट्स गो। सो हे गाइस, अभी हम श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्ते में है। श्रीनगर से सोनमर्ग कुछ 3 घंटे का रास्ता है, 85 किलोमीटर जितना है, जिसका हमें इंतज़ार था। अभी यहाँ पे स्नो हो रही है, आप पीछे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्नो बहुत ठंड लग रही है। गाइस, सोनमर्ग जाने के लिए प्राइवेट कार्स गगनगिर तक ही जाती है। गगनगिर पर 2 पॉइंट है, वो देखने के लिए आपको घोड़े करवाने पड़ते हैं। एंड गगनगिर से सोनमर्ग जाने के लिए आपको चेन वाली लोकल कार्स करवानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा बर्फ होने के कारण प्राइवेट कार्स वहां तक नहीं जा पाती। हाँ भैया, क्या है ये? अच्छा, ये पाकिस्तान से आती है। अच्छा, और इसको बोलते हैं स्नो ब्रिज। ये गाइस, ये स्नो ब्रिज है। बर्फ का कदर, ये बर्फ के अंदर से ये पानी बह रहा है। और यहाँ पे -7 चल रहा है इस टाइम। इस टाइम पे यहाँ पे -7 टेम्परेचर है। आपको आती है क्या गुजराती? बड़ा गंदा गुजराती बोल रहा हूँ मैं। गुजरात सूरत में रहा है। अच्छा,
So guys, ये old village है यहाँ पे सोनमर्ग में, पुराने जमाने के लोग रहते हैं इधर। एक आदमी सर 12 बच्चे पैदा करते हैं। क्या बात कर रहे हो? पुराने जमाने के लोग। एक आदमी 100 साल जीता है सर। अच्छा, हाँ हाँ पुलिस है यहाँ पे, फोटो शूट करवा रही है अपना। ये गंदी है, खाचू थोड़ी खाओ। क्या क्या कहा भैया अपना? भी मैंने कहा दिल्ली की सरकार, बॉम्बे का फैशन, कश्मीर का मौसम और बीबी के मूड, ये सैकड़ों में चेंज। हाँ सही बात है भाई, सही बात है। कैसे अभी मेरा हीरो फोटो खिंचवा रहा है आकाश। ठंड लगे मैडम, कपड़ा लगा। ओके पुलिसवा, तुझे पाछा लग गया। और हम लोग गुजरात जा रहे हैं घोड़े से। और ये हमारा भैया और भाभी आए हैं घूमने के लिए इधर। गाइस ये अखरोट के बाग है, समर में लगते हैं ना भैया? हाँ, हाँ, समर में इनमें अखरोट लगते हैं। जून से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जून से स्टार्ट हो जाते हैं अखरोट लगने यहाँ पे। गाइस ये सोनमर्ग है, सोनमर्ग का ये एक अखरोट का बाग बोलते हैं इसको। परिसा, हाउ इज द जोस? हाँ वही वही, ये पेड़ जो है वो 100 साल का है और हाउस बोट जो है वो इसी से बनता है। इसका नाम दीवदार है, इसको दीवदार कहते हैं। स्लो फॉल हो रही है गाइस। सो घोड़े से देखने वाले दो पॉइंट को देखने के बाद अब हम चैन वाली गाड़ी से बाकी के पॉइंट देखने के लिए ऊपर सोनमर्ग पे जा रहे हैं। जब समर टाइम में आते हैं ना, ये रास्ता जाता है थाजवास ग्लेशियर के लिए, ये वाला यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो जो बैरियर लगा है इस पहाड़ी के पीछे थाजवास ग्लेशियर, बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ है। अच्छा। अभी आप मेन सोनमर्ग में हो, वो देखो वो बाइक चल रहा है, बाइक से भी आप ग्लेशियर जा सकते हो, स्नो बाइक, स्लेज, जैसे आपका मर्जी सर। गाइस अभी स्नो फॉल हो रही है, हम काफी लकी है कि हमें स्नो देखने को मिल रही है यहाँ पे। और गाइस
ये ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते हैं। सोनमर्ग के ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और अभी स्नो हो रही है, स्नो गिर रही है, स्नो सोनमर्ग के एक पॉइंट के ऊपर सत्य पे सत्य और राम तेरी गंगा मैली मूवी का शूट हुआ था। और यहाँ पे गोल्फ कोर्स है सोनमर्ग का। सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। गाइस ये सोनमर्ग है, यहाँ तक गाड़ी लाने के 2500 रुपये लिए इन्होंने। अगर आप ज़्यादा लोग होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, हम दो थे तो हम दो के हम लोग को 2500 रुपये देने पड़े। और वहाँ से अगर आप घोड़े पे, दो पॉइंट है वहाँ पे, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, उनके कम से कम 5000 रुपये लेते हैं वो लोग। तो कुल मिला के हमारे टोटल 7500 रुपये लिए। उसमें हमको वहाँ पे घोड़े पे बिठा के पहले उसमें ये कपड़े भी दिए स्नो के, और ये शूज़ और ये कपड़े दिए। घोड़े पे वहाँ पे 2-3 पॉइंट दिखाए और ये गाड़ी लेके हमको यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर लेके आए। हाँ सो गाइस, हम अभी स्लेजिंग बोलते हैं इसको, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती है। तो हम जब नीचे थे, अभी हम थोड़े ऊपर आए हैं, यहाँ पे अलग अलग एक्चुअली सोनमर्ग, इसको सोनमर्ग बोलते हैं। सोनमर्ग पे लाने के बाद आपको पॉइंट देखने के लिए गाड़ी या तो फिर स्लेजिंग पे जाना पड़ता है। हाँ तो अभी हम स्लेजिंग से आए हैं, उसके उन्होंने नीचे पर पर्सन पहले हम दोनों के मिला के 3000 रुपये बोले, उसके बाद बोले 1500 रुपये, फिर हमने बार्गेनिंग करके अभी वो 800 रुपये में मान गए, दोनों के लिए 800 रुपये में मान गए। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो तो पहले बोलेंगे, बार्गेनिंग करो वो लोग मान जाएंगे, वो लोग कुछ भी बोलेंगे। हाँ तो पैसे ऐसे ना खर्चे, बार्गेनिंग कीजिए। और बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है। जब वो आपको ऐसा हो, इसका प्रिडिक्शन आता है कि ये टाइम में स्नोफॉल गिरेगी, तो वही टाइम में आइए, बहुत मज़ा आती है, बहुत ही ज़्यादा। कहाँ जा रहे हो मैडम? आपका वेट ज़्यादा लग रहा है। सो गाइस ये सोनमर्ग का थाजीवाज पॉइंट है, ये काफ़ी फेमस है सोनमर्ग का थाजीवाज पॉइंट। हाँ आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी का शूट हुआ था। हाँ ये सोनमर्ग क्लब है। बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, देखो इसकी हालत देखो। वीडियो कर रहा इसको। भैया गिरेंगे तो नहीं ना? बोलो पीछे से ड्राइवर पुशमैन करेगा, अभी धक्का लगेगा। ओए अरे 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 गया। बहुत ज़्यादा वर्क गिर रही है तो इस वजह से सब बंद कर रहे हैं। हम लकी है जो हम लोग ने पूरा सब पॉइंट कवर कर लिए, अभी सब पॉइंट बंद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। I do what I want and do what it does. I'm moving around, I'm getting the love. It's me that you want, my schedule.
but I'm here now. All I really wanna know. सो गाइस, बर्फ़ ज़्यादा गिरने के कारण हमें सोनमर्ग से निकलना पड़ा। जब हम आए थे तब इतनी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अभी जब जा रहे हैं तभी 6 से 7 इंच बर्फ़ हो गई है। और वहाँ पे रास्ते में ग्लेशियर्स ज़्यादा है, सो ड्राइवर का कहना है कि इतनी बर्फ़ गिरती है कि कभी कभी पूरी गाड़ी भी दब जाती है। सो ज़्यादा बर्फ़ होने पर यहाँ से निकल जाना ही सही रहता है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हो। सो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। Where we live.